क्या आप जानते हैं बृहस्पति को अक्सर फेल्ड स्टार यानी असफल तारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक तारों के साथ कुछ समानताएं हैं। तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और वे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण चमकते हैं, जहां हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक प्रकाश और गर्मी निकलती है। किसी वस्तु को सच्चा सितारा बनने के लिए उसे इतना विशाल होना चाहिए कि उसके मूल में न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, लेकिन बृहस्पति एक गैस जायंट है जो तारों की तरह ही ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। समस्या यह है कि इसके मूल में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए आवश्यक द्रव्यमान नहीं है। बृहस्पति बाकी तारों की तुलना में बहुत हल्का है। वास्तव में यह सूर्य से लगभग 10 गुना छोटा है, जो तारों को शक्ति प्रदान करने वाली तीव्र परमाणु प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि बृहस्पति के निर्माण के दौरान उसका द्रव्यमान अधिक होता तो वह एक तारा बन सकता था, लेकिन इसके बजाय यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। हालांकि यह एक आकर्षक ग्रह है, पर यह एक तारा नहीं है।